तो गाइज ये देखिए आजकल खड़ कितनी ज़्यादा आई हुई है और बिल्कुल यहाँ होके साइड होके निकल चुकी है जहाँ ये पानी का नल है यहाँ होके आ चुकी है खड। और यहाँ पे पानी ले जाते थे हम पहले भी यहाँ से इस नल से, क्योंकि यहाँ पे साफ पानी आता है। पर खड ने वो बिल्कुल ही वो जो यहाँ पत्थर लगाए थे पहले वो बहा दिए हैं और अब यहाँ पे बर्तन टिकाने के लिए कुछ है ही नहीं, हाथ में ही पकड़नी पड़ती है बाल्टी। और ये देखो गाइज मैं साथ में यहाँ पे ब्रश करने भी आई हूँ, क्योंकि सुबह में मैंने ब्रश नहीं की आज, तो अभी कर दी हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं बड़े महीनों बाद बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं रामपुर में थी 1-1.5 महीने से, और वहाँ पे मैं क्या ही ब्लॉग बनाती, मुझे लगा क्या बनाना, कुछ है ही नहीं कुछ खास। तो बस मैं पिछले घर रामपुर से घर आ चुकी हूँ अपने ससुराल में, और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि मैं पानी के लिए गई थी, क्योंकि नलके में पानी बहुत ख़राब आ रहा है, मिट्टी वाला आ रहा है, तो वहाँ पे साफ पानी आता है। और यहाँ पे एक ये डॉगी भी आ चुका है जो कि हमेशा यहीं पे पड़ा रहता है, पता नहीं किसका डॉगी है, ये हमारे इधर का ही है, पर ये मैं जब भी घर आती हूँ तो ये यहीं होता है। हेलो, क्या नाम है इसका डॉगी, टॉमी, टॉमी, हेलो टॉमी, चो, ये देखो आलसी डॉगी है ये मेरी तरह। यहीं पे सोया रहता है गाइस, दिन को भी ये अंदर ही सोता है। मैं इसको इतना भगाती हूँ पर ये भागता ही नहीं है, इसको पता नहीं क्यों यहीं पे अच्छा लगता है, चाहे धूप हो या बारिश। बारिश में तो चलो क्या ही बाहर रहेगा, पर जब धूप होती तब ये अंदर ही आता है, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, क्योंकि पूरे बरामदे में ना इसके बाल गिरे होते हैं नीचे इतने सारे, और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रात को तो यहीं होता है पड़ा ये। और गाइस आज पूरा दिन बारिश वाला गुजरा, रात को पता नहीं कब से स्टार्ट हो चुकी हुई थी बारिश, जब मैं सुबह सो के उठी तो बारिश हो रही थी और पूरे दिन बारिश लगी ही थी। तो अभी मैं घर में अकेली हूँ फ़िलहाल, मेरी सास मम्मी जो वो घास को गए हैं, और काशवी अपने छोटे चाचू मुकेश के साथ गई है खेलने, घूमने गई है कहीं, बार बता नहीं कहाँ गई होगी। तो अभी मुझे बनाना है खाना, तो लेट्स गो गाइस, मैं आपको बताती हूँ पहाड़ी चूल्हे पे कैसे खाना बनाया जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस ये मैंने लगाई है दाल, तंदूर पे लगाई हुई है, पता नहीं पकी हुई होगी, चेक करना पड़ेगा। तो गाइस ये कुछ इस तरह का किचन है हमारा, किचन पहाड़ी लैंग्वेज में बोले तो टाड़ा, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, वहाँ पे है गैस और उधर हम बर्तन रखते हैं, गिलास थाली वगैरह सब कुछ। और यहाँ भी एक डोरी है, वो बॉक्स है पुराने ज़माने का, इसमें सामान रखा होता है हमने। और यहाँ से दरवाज़ा है, इसके दूसरी साइड भी एक कमरा है, कमरा तो क्या टाड़ा ही है, पर आप लोगों को
जिसको नहीं पता कि ताड़ा क्या होता है, वो उसके लिए कमरा ही। वहाँ पे ना हमारे माता है, मतलब भगवान देवता जी वहाँ पे रखे हमने। तो गाइस ये मैंने वो जो दरवाज़ा था वो खोल दिया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे है हमारा छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, ये देखिए। तो गाइस ये एक छोटा सा खिड़की है जहाँ से गांव का नज़ारा दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा छोटा सा गांव। और ये पुल है, यहाँ के रास्ता है और यहाँ से हम जाते हैं। ये पार यहाँ पे जहाँ थोड़ी गाड़ी दिख रही है यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ से रोड है। और ये और काशवी के चाचू उसको लेके गए। यहाँ पे हमारे चाचू का घर है, ये वाला और ये वाला भी, ये दोनों दो घर है। काशवी और चाचू आगे, देखो गाइस अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ इस घर के साथ, देखो और जूम करूँगी तो शायद दिखेगा। हाँ ये देखो इस घर के पीछे होके आ रहे हैं वो लोग। ये देखिए आ गए वो, गोदी में उठाया उसके चाचू ने उसको। मैंने जूम किया है, ब्लर आ रहा है, बट क्या कर सकते गाइस, फ़ोन में तो ये क्वालिटी आएगी बट चलेगा। ये देखो वो भाग रही है पुल पे। तो गाइस मैं सोच रही हूँ जितने तक मेरी दाल पकेगी उतने तक मैं प्याज काट देती हूँ। तो गाइस ये पहुंच चुकी है काशवी घूम के, और इसका मन अभी भी नहीं भरा है, अभी भी रो रही है कि मुझे जाना है बाहर। काशवी आप कहाँ गए थे बेटा घूमने? कहाँ गए थे आप अभी तक, कहाँ गए थे आप अभी तक, कहाँ गए थे, किसके घर गए थे आप पार? ऐस कर दो उनको, हाय गाइस बोलो। ओहो
हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप कुछ हो? बोलो, चलो एक नाचो तो जरा। हाँ, अच्छे से अच्छे से अच्छे से पोइम सुनाओ तो बेटा। पोइम नहीं, पोइम सुनाओ। कोई ऐसी मछली जल की रानी है। हाँ, 1 2 बोल दो, काउंटिंग। अच्छे से बोलो, 1 2 10 तक।